नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम लोग दोस्तों आप लोग के लिए वीडियो कॉल इंटरव्यू लेकर आ चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जी, जो कि दोस्तों गोरखपुर से असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और एटलीस्ट मतलब ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो वो अपना जर्नी बताएंगे। सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और वेलकम करना चाहेंगे हमारे चैनल पर। वेलकम सत्येंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कब से स्टार्ट किया आपने एएलपी का जर्नी, पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग तक। जैसे पढ़ाई तो हम लोग की शुरुआती दौर पे गांव पे हुई, और उसके बाद से हम लोग मैंने बीटेक किया है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। यही आईटीएम से मैंने गोरखपुर से बीटेक किया था। उसके बाद से 2015 में मैं पास आउट हूँ बीटेक, तो मैं आरआरबी जेई और एसएससी जेई की तैयारी में कर रहा था। तो इस बीच फिर फॉर्म आया 2018 में एएलपी का, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि एएलपी आप डाल दीजिए, तो अच्छा फॉर्म, अच्छी वैकेंसी है रेलवे की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ। तैयारी में 2014 से ही कर रहा था, और मैं मतलब पढ़ाता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, तो मैं स्कूल में पढ़ाता भी था 2014। कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे, खुद से ही पढ़े थे? नहीं, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन कुछ क्लासेस मैंने देखे और मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। कोचिंग ज्वाइन नहीं की। बहुत दिनों से फॉलो भी करता। अच्छा, बहुत अच्छा लगता था जब आप लोग इंटरव्यू वगैरह लेते थे, तो मन में रहता था कि हम लोग एक दिन लग रहा है सफल हो जाएंगे। और मैंने एक बार लिखा भी था कि सर मैं आपके एक बार मतलब चैनल पर जरूर इंटरव्यू दूंगा, और ये मौका इस लॉकडाउन में मिला, अच्छा लगा। एक अच्छा पहल है आप लोग का, अच्छा रहता है ये, इतना बढ़िया पहल है आप लोग का। ये सारे स्टूडेंट में एक मतलब अंदर से होता है कि हाँ हमको भी ये कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये निकालना जरूरी है, या सफल होना बहुत जरूरी है। जब सफल छात्रों को देखते थे तो मन में एक उमंग, आपका नाम ही तो चैनल का उमंग है, उमंग स्टडी, तो वाकई में उस चैनल नाम से ये काफी मेल खाता है और अच्छा लगता है कि हाँ कि हम लोग भी सफल हुए हैं। सफल छात्रों को देख करके, उनका इंटरव्यू देख कर, कैसे वो पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती। मैं उमंग स्टडी के सभी लोगों को, सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आप लोग इस बात में लगे हुए हैं और बच्चों से मिलते रहते हैं, तो उनको जो भी चीजें ना पता रहता है, मतलब जो भी होता है ना कि कुछ लोग फैला देते हैं कि ये है वो है, वो सच्चाई जानकारी आप लोग सामने लाते हैं, तो ये चीजें अच्छी लगती। और मैंने बहुत फॉलो किया था जब से मेरा एग्जाम हुआ, पाया, उसके बाद से ही मैंने उमंग स्टडी को बहुत ज्यादा फॉलो किया था, तो मैं देखता रहता था। सर भी एक आते थे, और सर जो उनका नाम तो अभी मैं भूल चुका, तनोज सर वही इंटरव्यू करते हैं ज्यादातर। हाँ, वो इंटरव्यू वही करते थे, तो अच्छा लगता था। इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता था हम लोग, मनोबल बढ़ा रहा। हम लोग भी जितने भी व्यूअर्स हैं सबको एक परिवार ही मानते हैं, और हमारी मनोकामना भी रहती है कि जो भी व्यूअर हैं हमारे वो कोई ना कोई जॉब में जरूर जाएं, और आपके तरह कई सारे व्यूअर के सपने भी पूरे हुए और फाइनली वो रेलवेज में भी एम्प्लॉयड है। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे कि आपने भी और मैंने कई सारे इंटरव्यूज जो भी लिए हैं उसमें एक पैटर्न देखा है कि मैक्सिमम लोग एएलपी की अलग से तैयारी नहीं कर रहे थे, वो कोई भी या तो एसएससी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर बैंकिंग वगैरह की, और फाइनली उनका एएलपी निकल गया। तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या सही किया था, और एएलपी के लिए लोगों को क्या करने की जरूरत है जिससे कि एएलपी के लिए भी तैयारी कर सके और कोई दूसरे चीज के लिए भी तैयारी हो सके? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एएलपी की तैयारी लोग नहीं करते, फिर भी कुछ लोगों ने एएलपी निकाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे का जो पैटर्न था पहले, वो बहुत ही मतलब बिगड़ा हुआ पैटर्न था, कि जो भी सिलेबस में देते थे वो देते नहीं थे, क्योंकि जीके का मात्रा बहुत अधिक रहता था पहले। तो हम लोग भी ये सोचते थे कि हम लोग नहीं, क्योंकि टेक्निकल से थे तो टेक्निकल की मात्राएं थी नहीं, तो टेक्निकल वाले लड़के ज्यादा नहीं निकाल पाते, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड थी ये पोस्ट, तो आईटीआई वाले निकाल लेते थे। बाद में ये हुआ कि रेलवे ने सिलेबस डिसाइड किया, और सबसे बड़ा की पॉइंट था सिलेबस का, कि सिलेबस में जितने प्रश्न दिए गए थे कि मैथ सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे,
फिर फिजिक्स, मतलब ये फिजिक्स से इतने आएंगे, साइंस से इतने आएंगे, करंट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन का जो भी मतलब उसमें निर्धारित था वही सारे क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग सिलेबस से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे, सिलेबस से ही पढ़े थे, और जितने बच्चे सिलेबस से पढ़े थे सब लोग सफल हुए थे। तो सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल था लोगों का एक बार में ही एलपी निकालना सिलेबस। दूसरी बात कि जितने भी इसमें एलपी में प्रश्न पूछे जाते हैं जो सेक्शन है, जैसे मैथ है तो वो एसएससी में भी पूछी जाती है, और वहाँ पे आपका कोई भी आप तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग है तो रीजनिंग भी एसएससी में पूछी जाती है। तो उन सबों से जो उनका मतलब एक जुड़ाव था कहीं ना कहीं इसकी परीक्षा से था। और दूसरी बात थी जो प्री में था, तो प्री में कट ऑफ बहुत कम बना था तो कुछ बच्चे पास कर गए। मेंस में ये था, दुविधा थी कि बच्चों को कुछ बच्चे इस वजह से नहीं निकाल पाए क्योंकि उनको जो सेकेंड पेपर था पार्ट बी का वो उनको क्लियर नहीं था, पार्टवी में पूछा जाना क्या है। तो कुछ बच्चे अपने ट्रेड के ले लिए कि ऐसा नहीं था कि आप ट्रेड के हैं तो ट्रेड ही के लें, आप मैथ साइंस भी ले सकते थे। तो मैंने, मेरा तो भाग्य कही कि मैंने मैथ और साइंस लिया था, और पार्टवी में मतलब कह सकते हैं मेरा 55 के करीब मेरा नंबर था। तो उसमें पार्टवी मुझे तैयार करना ही नहीं पड़ा था, पार्टवी में एक दिन भी नहीं पढ़ के गया था, और जो मेरे मतलब बेसिक्स में थे 9th to 10th और यही सब थे, मैंने पढ़ा था उसी हिसाब से वो आया था। और पार्टी में मैंने अच्छा स्कोर किया, पार्टी में मेरा 70.80 स्कोर था। तो अच्छा। पार्टी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रेलवे की जो सबसे मतलब अच्छा जो विषय होता है, जो उसका मतलब फेवरेट विषय है वो फिजिक्स। जो जिस भी लड़के को फिजिक्स अगर आती है तो वो रेलवे मान के चलिए 90% वो पहले ही क्रैक कर चुका है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, हाँ, रेलवे परीक्षा की सबसे बड़ी खूबी जो है वो है फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत एकदम 100% होगा, ये जान लीजिए।